नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत कर कुएं में सड़ी गली अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीते कई महीनों से लापता था युवक, परिजनों ने दर्ज करा चुके हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट। परिजन दर्ज करवा चुके थे गुमशुदगी ढेमरखेड़ा, ढेमरखेड़ा थाना अंतर्गत बरेली रामपुर के परासीहार में कुएं के भीतर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की लाश सड़ी गली अवस्था में रही। युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे, बोरियों में शव के साथ पत्थर भी भरे हुए हैं। युवक के परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। ढेमरखेड़ा थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि ग्रामीणों ने परासीहार में बने खाली कुएं में युवक का शव होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। युवक की पहचान मठभौना निवासी राजकुमार यादव 35 वर्ष के रूप में हुई। युवक मानसिक रूप से प्रताड़ित रहता है, शव महीनों पुराना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया मृतक युवक कई महीनों से लापता रहा, परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज है। शव मिलने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मर्ग कायम कर मामले की जाँच की जा रही है। रिपोर्टर सतेंद्र बर्मन मिली है और उसके हाथ पाँव में पत्थर बंधे हुए थे। ये है कि मर्डर किया गया है, इसमें से 7-10-20 लोग भी हो सकते हैं। किसी के ऊपर शंका वगैरह है? शंका सर मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा अभी शंकाएं को मैं पूरा जांच करके भी थोड़ा पूछताछ करके। क्या नाम है आपका? विजय यादव। मृतक के बड़े भाई हैं छोटे नहीं भाई? मैं उनका छोटा। ग्राम परासी रामपुर में जो है एक छोटा ग्राम परासी रामपुर में जो है एक सूखे कुएं में एक डेडबॉडी पड़ी हुई है। जो सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर आए थे, तस्दीक करने पर एक शव दिखाई पड़ रहा था जिसे हाइड्रा वाहन के माध्यम से पुलिस बल और आमजनों के सहयोग से डेड बॉडी के ऊपर निकाला गया है। डेड बॉडी की पहचान ग्राम मठभौना निवासी राजकुमार यादव के रूप में हो रही है। इस संबंध में मर्ग जाँच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जो होती है वो की जा रही है। मिला है शव, काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में और डिकम्पोज हो चुका है। इसका विस्तृत जानकारी पीएम रिपोर्ट और जो बाकी एफएसएल टीम हमारी अभी आ रही है और उन सबके जब एनालिसिस होगा उस आधार पर आगे की जानकारी। हाँ, ये बोरी साथ में मिली है बंधी हुई, उस संबंध